शंख को माँ लक्ष्मी का सहोदर भाई कहा गया। शंख आपके घर को मंदिर और जीवन को सुंदर बना सकता है। शंख के कुछ आसान उपाय आपको दिला सकते हैं मनचाही सफलता। लेकिन शंख को मंदिर में रखने के कुछ नियम भी हैं, सावधानियां भी हैं। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि शंख का प्रयोग करने का सही तरीका आखिर क्या है। किस्मत चमकाएगा शंख, सकारात्मकता लाएगा शंख, शंख से खत्म होंगे संकट, शंख से होगी मनोकामना पूर्ति। सनातन धर्म में जब भी कभी मांगलिक कार्य, पूजा पाठ, हवन होता है तो शंख बजाया जाता है। घर में पूजा स्थान पर शंख रखा जाता है। वास्तु दोषों को दूर करने के लिए भी शंख का प्रयोग किया जाता है। विजय प्राप्ति पर शंखनाद किया जाता है। शंखनाद के द्वारा ऐसा शास्त्र कहता है, विज्ञान भी इस बात को मानता है, शंख के ध्वनि से जो ध्वनि निकलती है उसमें तरंगे निकलती है, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाता है। प्रत्येक दिन शंख बजाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। शंख बजाने से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, सांस संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है, आसपास का वातावरण पवित्र और शुद्ध हो जाता है। वास्तु शास्त्र में शंख का विशेष महत्व है। घर के दक्षिण दिशा में शंख रखने से व्यक्ति को यश, कीर्ति और उन्नति मिलती है। घर के उत्तर पूर्व दिशा में शंख रखने से शिक्षा में सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। शंख को पूजा स्थान या लिविंग रूम में रखना भी लाभदायक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शंख में रखा हुआ पानी खराब नहीं होता। शंख में कैल्शियम, फास्फोरस और गंधक के गुण होते हैं। उसके जल को पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं, दांत भी स्वस्थ रहते हैं। कहा जाता है कि जिस घर में शंख रखा जाता है वहां पर माता लक्ष्मी का वास होता है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो शंख से जल अर्पित करने से श्रीहरि भगवान प्रसन्न होकर भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा के समय शंख का उपयोग फलदायी होता है। देखिए, हमारे सनातन परंपरा में, सनातन धर्म में शंख की अपनी एक अद्भुत महिमा है। किसी भी प्रकार का, मैं सनातन में किसी भी प्रकार का जब कोई आप धार्मिक कार्य करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसमें जो प्रमुख आयुध है वह शंख है। बिना शंख के कोई अनुष्ठान पूर्ति नहीं हो सकती है। हमारे जो देवता हरि हैं, कृष्ण हैं, हनुमान जी हैं, राम जी हैं, जितने प्रकार के समस्त देवता हैं, सबके पूजन में शंख का अनिवार्यता है। हम इनका जब हम अनुष्ठान करते हैं, आरती इत्यादि कृत करते हैं, उसमें शंख का प्रयोग करते हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनि उपासना यज्ञ के समय शंख का उपयोग करते थे। शंख की ध्वनि से देवता प्रसन्न होते हैं और भक्तों की पुकार सुनते हैं, इसलिए पूजा में शंख बजाना शुभ होता है। इतना ही नहीं, सुबह शाम शंख बजाने से घर में मौजूद बुरी शक्तियों का नाश होता है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने के साथ ही परिवार के सदस्यों का मन सकारात्मक रहता है। अब आप शंख का महत्व और इससे जुड़े फायदे तो समझ गए, लेकिन घर में शंख को सही तरीके से रखना भी जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं शंख से जुड़ी सावधानियां। पूजा घर में शंख को लाल वस्त्र पर रखना चाहिए। पूजनीय शंख में शुद्ध पानी भरकर रखें और पूजा के दौरान पूरे घर में इस पानी से छिड़काव करें। हिंदू मान्यता के अनुसार पूजा घर में देवताओं को जल चढ़ाने के लिए अलग और बजाने के लिए अलग शंख रखना चाहिए। शंख को बजाने से पहले हमेशा गंगा जल या पवित्र जल से साफ करना जरूरी होता है।